पटना मोहल्ला सभा की ओर से ये जो है आक्रोश मार्च निकाला गया है और बहुत ही बदतर स्थिति है इस वार्ड का। किस वार्ड? 64 और 63 दोनों की संयुक्त रूप से यहाँ की जनता है। आप जानते हैं कि विगत 3 दिनों से लगातार वर्षा हो रही है और सभी के घरों में पानी घुस गया है, सभी के बच्चे बीमार हो गए हैं और जो विकलांग होएगा उसको निकलना मुश्किल हो गया, खाने पीने पर लोगों को आफत हो गया है और विभिन्न तरह की समस्याओं को आप तो जानते ही हैं, आपसे तो छुपा हुआ है नहीं, नाला का उड़ाही नहीं होता है, ओवरफ्लो हो जाता है नाला, तो इस सब से सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार के खिलाफ हम लोग नारा लगा रहे हैं, हम लोग सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ की जनता आखिर में रो क्यों रही है। यहाँ की जनता टैक्स देती है, सरकार को टैक्स देती है और उस सरकार को टैक्स के एवज में नगर निगम को ये 5-6 सुविधा देना होता है। हर घर में जल पहुंचाना, हर घर घर के पानी का निकास करना, नाले का समुचित व्यवस्था करना, रोशनी की चकाचक व्यवस्था करना, मल मूत्र का निकास करना, DDT का छिड़काव करना, ये सब होना चाहिए लेकिन ये सब काम होता नहीं, लेकिन फिर भी नगर निगम टैक्स लेती है। जब टैक्स देते हैं और टैक्स नहीं देते हैं तो नगर निगम हम लोगों के ऊपर फाइन लगाती है। जब जनता को आप सुविधा नहीं देंगे तो क्या जनता को आपके ऊपर फाइन लगाने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?